हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अष्टिन हिंदी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि फंक्शन की में जो F1 टू F12 है उसका एक्सेल में शॉर्टकट तरीके से क्या क्या यूजेज है। उसका बहुत सारे यूजेज, जैसे कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कभी अल्ट के साथ फंक्शन की दबाकर, कभी कंट्रोल के साथ, कभी शिफ्ट के साथ, इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको नमूना तो बता रहा हूँ, जैसे कि कंट्रोल के साथ हम अगर F1 को प्रेस करते हैं तो हमारा ये रिबन बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज होने लगता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारा भी बताने वाला हूँ। तो आप इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे है, और मैं अगर सिंपली F1 को प्रेस करता हूँ तो मेरा हेल्प बॉक्स खुलता है। तो मैं अगर F1 प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स खुल गया। अभी मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस जो है 2016 है, इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन नहीं अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे केवल ऑनलाइन मिल सकता है। तो अगर आप 2007 खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तो उसमें यहाँ पे ऑफलाइन भी अवेलेबल मिलेगा, और एक सर्च बॉक्स आएगा, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आप वहाँ भी अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि सम का फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसका नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली टाइप कीजिए सम और एंटर मारिए, आपको सम का फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आता है, अगर हम कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करते हैं तो मेरा रिबन बार मिनिमाइज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद भी कर लेते हैं, डबल क्लिक करने से ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि अल्ट के साथ F1 को प्रेस करते हैं तो चार्ट ओपन होता है। देखिए यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, मैंने पहले से डाटा सेलेक्ट कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्ट आ गया। तो अगर किसी डाटा का आपको चार्ट चाहिए तुरंत तो वहां पर आपको यूज करना है Alt+F1, ठीक है। Alt+F1 आप जैसे यूज कीजिएगा तुरंत आपको चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो आपको F1 का यूज मैंने बता दिया। F2 में चलते हैं। F2 को अगर सिंपली आप प्रेस करते हैं किसी राइट की बॉक्स में एडिट करना होगा तो वहाँ F2 को प्रेस कीजिए, वहाँ पे एडिट इसमें लास्ट में आ जाता है, वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा F2। इसके बाद F2 का दूसरा है यूज करने का तरीका, अगर हम इसको अल्ट के साथ F2 को प्रेस करेंगे तो ये सेव एज का बटन खुल जाता है। ये देखिए सेव एज का बटन खुल गया, Alt+F2 से आप उसको सेव कर सकते हैं। तीसरा है, अगर कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस कीजिएगा तो प्रीव्यू आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने F2 को प्रेस किया है, प्रीव्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स आ जाता है। अगर यहाँ पर कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स मिल गया। इसके बाद F2 का तो क्लियर हुआ, आप चलते हैं F3 में। F3 में चलते हैं हम, यहाँ पे सिंपली अगर F3 को प्रेस करते हैं तो कोई ओपन नहीं होता है, लेकिन अल्ट के साथ, हमने अल्ट के साथ F3 को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि अगर इस सेल का नाम एडिट करना होगा तो यहाँ हम लोग सेल का नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। Alt+F3। अब Shift+F3 का यूजेज है कि हमको अगर कोई फॉर्मूला को इंसर्ट करना हो तो हम लोग उसको यहाँ ओपन कर सकते हैं। यहाँ आ गया इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से किसी फॉर्मूला को यूज करना है तो यहाँ सब देखकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा F4। तो आप अगर अल्ट और F4 प्रेस कीजिएगा तो फाइल क्लोज हो जाता है। यहाँ मेरा फाइल सेव नहीं है, पहले फाइल सेव करने के लिए पूछेगा, यहाँ सेव पर क्लिक करके हम सेव करेंगे, इसके बाद मेरा फाइल क्लोज हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपको F5। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो किसी गो टू का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ देखिए गो टू का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप अगर F5 को प्रेस करते हैं तो आप गो टू में चल जाएगा, और Shift+F5 को प्रेस करते हैं तो आप फाइंड में चले जाइएगा। ये देखिए फाइंड और रिप्लेस का बटन यहाँ पर खुल जाता है Shift+F5 से, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है Shift+F6 प्रेस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी चीज को क्विकली ओपन करना होगा तो उसको आप ओपन कर सकते हैं Shift+F6।
यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर में पूरा हाईलाइट हो गया। अगर हमको ये इंसर्ट खोलना है, अब यहाँ पर एन प्रेस करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे, और जो जो खोलना होगा यहाँ पे वो खुल जाएगा। जैसे हमको यहाँ पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ पी एम जिसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पिक्चर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने देख लिया क्विक ओपन का। इसके बाद है एफ सेवन। अगर एफ सेवन को अपने सिंपल प्रेस कर दिएगा तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक आएगा। हम यहाँ पे एफ सेवन को प्रेस कर रहे हैं तो स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, एफ सेवन से स्पेलिंग चेक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एफ एट। अगर आपने माइक्रो लगाना है तो आप ऑप्शन में जाकर उसको लाना पड़ता है। इससे आपको अगर अल्ट के साथ एफ एट को प्रेस कीजिएगा तो आपको माइक्रो का बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए मैक्रो आ गया, मैक्रो नेम यहाँ जो भी रीड करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एफ टेन। एफ टेन अगर सिंपली आप प्रेस करते हैं तो आपको मिलेगा, जैसे कि एफ सिक्स में मिला था क्विक ओपन का ऑप्शन, वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर एफ टेन को आप प्रेस, तो नेक्स्ट है कि अगर हम अल्ट के साथ अगर एफ टेन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ हमने अगर एफ टेन प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एक ऑप्शन सिलेक्शन। यहाँ पे जितना भी मैंने इधर कमेंट ऐड किया होगा उसका अगर आपको देखना होगा यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ कमेंट दिखा देगा क्या क्या कमेंट में लिखा हुआ है। तो ये है अल्ट प्लस एफ टेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा है एफ इलेवन। अगर हम F11 को प्रेस करते हैं तो मेरा सेपरेट चार्ट बॉक्स खुल जाएगा, मतलब नेक्स्ट शीट में चार्ट आ जाएगा। ये देखिए मैंने नेक्स्ट शीट में चार्ट आ गया, इसलिए डाटा मैंने सेलेक्ट नहीं करा था इस बार, इसलिए नहीं खुल पाया। मैं चलता हूँ फिर इस शीट में, डाटा को सिलेक्ट किया और F11 प्रेस किया तो ये देखिए इसका चार्ट नेक्स्ट शीट में तैयार होकर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है कि F11 का अल्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे, मैं उसी चार्ट में चलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं अगर F11 अल्ट के साथ यूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल बेसिक आ गया। यहाँ पे विजुअल बेसिक डायरेक्टली आ गया, अल्ट F11 से विजुअल बेसिक डायरेक्टली खुल गया। आप यहाँ पे विजुअल बेसिक यहाँ पे इंसर्ट में जाकर नया मेड्यूल लेकर के यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगर न्यू शीट ओपन करना होगा तो सिंपली आप प्रेस कीजिएगा शिफ्ट प्लस F11, जैसे कि मैंने यहाँ शिफ्ट प्लस F11 प्रेस किया, मेरा नया शीट तैयार हो गया। ठीक है, तो ये नया शीट भी आ गया। इसके बाद F12 से आप सिंपली प्रेस करते हैं तो सेव एज का बॉक्स आ जाता है, वहां से आप सेव कर सकते हैं। और एक अच्छा चीज है कि कंट्रोल के साथ अगर F12 को प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन का बॉक्स आ गया, यहाँ से कोई चीज आप ओपन करके इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, इससे अच्छा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।